नमस्कार, मेरा नाम उषा सुरेश पाटिल, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम सुरेश प्रभाकर पाटिल। हम महाराष्ट्र जलगांव शेंदुर्नी से आए हैं। इनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, अचानक से इनको प्रॉब्लम आए थे। हम पूना, मुंबई, नासिक सब जगह घूमे, लेकिन इनको चलने की ही प्रॉब्लम बोल रहे थे। ऑपरेशन होगा लेकिन चल नहीं सकते, सब जगह ऑपरेशन की ही राय दी। फिर एक दिन मेरे दीदी का कॉल आया, इनकी सिस्टर का कॉल आया, उन्होंने पूछा कैसा है क्या है। फिर उन्होंने सजेस्ट किया जयपुर में सीके बिरला हॉस्पिटल में आ जाओ, यहाँ पे डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, एक बार आकर देखिए, यही आपको सही राय देंगे। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद तो बहुत टेंशन थी, इनको चलने आएगा कि नहीं आएगा, ये वापस से चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, बहुत टेंशन थे। लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद, अंजनी शर्मा से मिलने के बाद तो सब डाउट्स क्लियर हो गए। उन्होंने डायरेक्ट से बोल दिया ऑपरेशन अवॉइड ही करेंगे और पहले ट्रीटमेंट से ही इनको प्रोसेस करेंगे। उन्होंने जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू की, इनमें इम्प्रूवमेंट होने लगी। दूसरे ही दिन इन्होंने चलना, खड़ा होना स्टार्ट कर दिया था। और सीके बिरला का स्टाफ अगर पूछा जाए तो सीके बिरला का स्टाफ जैसा स्टाफ मैंने अभी तक नहीं देखा। क्लीनअप के बारे में भी हॉस्पिटल A1 में है, वो क्लीनअप के बारे में भी आगे चल रहा है। कोई दिक्कत मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं हुई, स्टाफ से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, क्लीनिंग के बारे में भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। सबसे बढ़िया तो हमें डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा जी लगे हैं, आज भगवान के जैसे वो हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं और आज उनकी वजह से ही मेरे हस्बैंड आज चल पा रहे हैं। धन्यवाद सीके बिरला हॉस्पिटल का भी और डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा और डॉक्टर कपिल खंडेलवाल जी का भी, धन्यवाद।